वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं थोड़ी होस्ट अनीरम कौर, तो मैं TV84 के सारे दर्शकों ते स्रोतियां नूं जी आया कहंदी हां। प्रोग्राम सचो सच विच जड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी रोजाना ही तरह स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल गलबात करके अज दे आम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, थानू भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाने TV84 के व्यूअर्स को भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैन भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब आज 10 फरवरी 2023 29 माघ नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों के स्रोतियां नू हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल TV84 नू देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकदे स्पेक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, गल्फ ऑफ केबल कैनेडा, रुकू जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ते तुसीं TV84 नू देख सकदे हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV84 नाल या प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े तो असनाल तो लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। यह भी दस दिए कि तुसीं TV84 दी ऐप नू एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो TV84 दी लाइव स्ट्रीम है इस नू तुसीं 24 आवर्स देख सकदे हो। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं और इस वीक दा अंतला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और अरदास ते दुआ करदे हां कि जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है वह बहुत ही वधिया गुजरे। सो व्यूअर्स जिस तरह कि आप हमेशा ही अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज की स्पोंसरशिप के हवाले ना कि अज के प्रोग्राम सचो सच नूं स्पोंसर किया गया टोरंटो तो वीर संदीप सिंह जी वालों। सो इन्होंने सवाल किया है कि अज जो हालात बने हुए हैं मोदी सरकार खिलाफ जां ओपोजिशन विच कुछ खास विरोध नज़र जड़ा नहीं आ रहा, सब कुछ मोदी सरकार के कंट्रोल विच दिस रहा है और CBI NIA ED जुडिशरी अते सारा सिस्टम मोदी सरकार के हक विच उन्हां दा विरोध करन वालियां खिलाफ भुगत रहा है। सो साडियां संस्थावां भी उन्हां दे इशारे ते चल रहियां हन। तुहानूं लगदा है कि साडे विरोध अते एफर्ट नाल भारत जां मोदी सरकार दा कुछ ਵਿਗੜੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा काट मरे कबू ना छाड़े खेत। सो व्यूअर्स 10 फरवरी 1846 वो इतिहासक दिन है जिस दिन सरदार श्याम सिंह अटारी वाला शहीदी दा अरदासा सोध के संभ्रावां दी जंग विच उतरिया। अंग्रेज़ां खिलाफ इस जंग विच सिख जनरल लाल सिंह तेज सिंह की गद्दारी के बावजूद सिंघा ने वह इतिहास सिरजिया जिसनूं पंजाबी शायर शाह मुहम्मद ने इन्हां लफ्जां नाल याद किया। शाह मुहम्मदा सिंघा ने गोरियां दे वांग निंबुआ लहू निचोड़ सुटे। सो गुरु दा सिख अरदास करके अपना आप जदों गुरु ते अर्पण कर दिंदा है तां फिर इतिहास जिहड़ा वह सिरजिया जांदा। सो बाबा दीप सिंह शहीद बाबा गुरबख्श सिंह अकाली फूला सिंह साडे इतिहास के वह चमकदे सितारे हैं जिन्हां ने अरदास की अहमियत नूं सिख कौम लई शहीदियां दे के प्रभावित किया। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? सब तो पहला तो अज के प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई असीं वीर संदीप सिंह टोरंटो जी उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हां और ये साडे नौजवान वीर जिहड़े पंथ नूं समर्पित ने जो कुछ पंजाब दे विच डे टू डे बेस के उत्ते वापर रहा उस दे उत्ते भी तिखी अख रखते ने। एक जो अपीयर हो रहा है उस दे पिछे की चल रहा है इस नूं समझण दी सूझ भी रखते हैं और ज़ाहिर है कि असी एक तो बाद एक मोर्चा वो बेशक किसान मोर्चा जां इस तो पहला बरगाड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मुद्दे ते 9-10 महीने का चलिया मोर्चा और हुण फिर कौमी इंसाफ मोर्चा भी चल रहा है, दूसरे पासे बरगाड़ी च भी चल रहा है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नूं लैके वडाड़े वल्लों भी कोई मोर्चा शुरू किया गया सी। सो कुल मिला के ये सोच तो हर एक दे दिल दे विच आंदी है कि कदों तक ते कित्थों तक कि ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। तो जे असी उस पासे वाल नहीं जा रहे तो ये जड़ा बीट अराउंड द बुश है कई बार इहदे लई एक्सप्रैशन कही जा सकती है क्योंकि एक तबका ये नहीं है कि भी वो पंथ नूं प्यार नहीं करते जां पंथ नाल लगाव नहीं है, लेकिन कई बार ये समझते हुए भी प्राइवेट कन्वरसेशन जदों बैठणगे वो जड़ा ईवन कांग्रेस जां इन्हां आम आदमी पार्टी चौधियां दी भुख लई भी बड़िया होया वो भी इस गल नूं मन्नेगा। और ये गल असाम काडर दे एक बड़े सीनियर IAS ऑफिसर ने जिहड़ा उत्थे पोस्टेड सी क्योंकि मनमोहन सिंह जिहड़ा बाद च 2 बार प्रधानमंत्री बनया वो भी उन्हें गुवाहाटी और दूसरे च उस कुछ वक्त दे लई उत्थे रहा ते उस सीनियर IAS ऑफिसर जिन्हें जून 1984 दे भारतीय फौज दे हमले वेले ईवन छुट्टी लई अप्लाई कीता सी कि कार सेवा करनी है वो क्योंकि जदों तुसीं किसी होर स्टेट च हुंदे हो तो सारे जड़े ने अफसर और हाई अप्स एक दूजे नूं मिलदे ने। ये उन्हां दी पर्सनल जबानी सी कि मनमोहन सिंह ने जून 1984 के हमले तो बाद वो कहंदे जदों असीं अपने घर उन्हां नूं खाने ते भी सद्दिया और हर सिख दुखी सी कि जो हो रहा है तो मनमोहन सिंह ने यह कहा कि भाई ये सिखां दे कोल जदों तक हुण कोई अपना मुल्क नहीं हुंदा साडी इज्जत नहीं बचदी। हालांकि वक्री कहानी है कि वही मनमोहन सिंह 2 बार खुद प्राइम मिनिस्टर रहा और उस तो कुछ भी नहीं सरिया घट्टो घट्ट ये भी। और ये गल ईवन उन्होंने दा ला मिनिस्टर मिस्टर मोयली जिहड़ा मनमोहन सिंह दी कैबिनेट सी उन्हें कहा भी एक बारी मैनू प्राइम मिनिस्टर तो घुआ दो मैं सिख परसनल लॉ ये मेरे विधन है इस दे लई जिहड़ा मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँगा जाते जाते। पर मतलब एक प्रोमीनेंट सिख लीडर जिहड़ा मनमोहन सिंह नाल घरेलू ही जरा आना जाना सी उहदा कहना सी कहंदा जी बहुत ही कहंदे लोग तो कहंदे ने शरीफ है शरीफ शरूफ कहदे ने सारे कहंदे पर ये बहुत डराकल है कि भी उहनूं ईवन ये भी करने लई तैयार नहीं है। हुण मतलब यह है भी अंदर तो उही है कि भी तुहानूं नज़र आ रहा भी की है। सो यही हाल जे असी पंजाब दे हवाले नाल बहुत सारियां दा देखिए तो यही हाल चल रहा। पर मैं समझदा कि वीर संदीप सिंह जी तुसीं खुद भी सियाणे हो अल्टीमेटली ये जिथे भी असी जिस लैवल के उत्ते एटलीस्ट रजिस्ट कर रहे हैं भावें कई जड़े ने वो छोटे छोटे सानू लगता है भी उद्देश्य मिथे हुए ने पर इहदे नाल साडी रजिस्टेंस बिल्ट हो रही है। और क्योंकि सरकारी एजेंडा तो टोटल वॉर है सिखां दे खिलाफ उहदे च तां कोई तब्दीली नहीं हुई पिछले 39 साल च जे कहना होए इन पर्टिकुलर और 75 साल च इन जनरल 15 अगस्त 1947 तो बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जेडे पिछले पीरियड च नहीं समझ सके और इस पीरियड 75 साल आलमोस्ट 4 जनरेशन आ गई हैं उन्हां दे सामने ये गल खुलती चली जा रही है। और यही कारण है जे असी खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले नाल गल करिए लंडन होए टोरांटो होए जां इटली होए जां मेलबर्न होए जे सब तो वध के जड़े नौजवान इस दौर दे विच आए ने इहदे बावजूद कि बहुत सारे बेचारे अपनियां जमीनां गहणे पा के आए ने अजे कईयां नूं पता ही नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर की होना है ये भी उन्होंने पता है भी इंडियन गवर्नमेंट की तिखी अख है पर इसके बावजूद जे वो खालिस्तान रेफरेंडम च वोट पाने लई निकलते हैं तो सानू इस गल की तसल्ली है कि भी घट्टो घट्ट इस जनरेशन के हथ दे विच जिहड़ा खालिस्तान का परचम हुण आ गया और ये गल अगे नूं जाएगी ही जाएगी। और असीं वीर संदीप सिंह होरां दा शुक्रिया अदा करदे हां। अज लास्ट प्रोग्राम है हफ्ते का और असी अक्सर जिस दिन भी खास तौर पर फ्राइडे होए तो मेरी कोशिश हुंदी सी पुराने वरियां दे विच भी कि हिस्टरी ओरिएंटेड कुछ ना कुछ गल करिए क्योंकि एक तो डे टू डे खबरों के उत्ते साड़ी असी खबर की खबर ही लेंदे नहीं जां खबर की मरम्मत कर देंगे नहीं चीर फाड़ तो है ही है वो जो खबर की खबर लई जाती है पंजाबी च कहते हैं भी लै ली खबर उहदे च सब कुछ ही आ जाता है। लेकिन फ्राइडे का दिन मोस्टली मेरा यह हुंदा है कि कोई ना कोई जिहड़ा बीते दा वाकिया और कुदरती अज जदों असी गलबात कर रहे हैं और तुसीं बीते च देखोगे कि अज दे दिन की वापरिया तो 10 फरवरी 1846 का वो दिन है जिस दिन सरदार श्याम सिंह अटारी वाड़ा। अटारी आज फाइनल चेक पोस्ट है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के उत्ते, और जिथे कदे इस किस्म के जरनैल ने वसेवा किया, बहादुरी के जोर दिखाए, कदे उसे ही अटारी की जूह च महाराजा रणजीत सिंह अपने पोते महाराजा खड़क सिंह दे बेटा खड़क सिंह पोता नौनिहाल सिंह उस दी बरात लैके टुकिया सी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दे पोते कंवर नौनिहाल सिंह दा आनंद कारज सरदार श्याम सिंह अटारी वाले दी पुत्री बीबी नानकी दे नाल होया सी अटारी दे। और जदों हुण बेशक पिछले पीरियड च जदों डियाना और चार्ल्स दा विआह करोड़ों लोगों ने दुनिया च देखा, उन्होंने आइडियल मैरिज कहा गया, लेकिन क्योंकि उस महाराजा रणजीत सिंह दे पोते दे विआह च अंग्रेज़ डेलीगेशन और नेपाल दा और गढ़वाल दा और अफगानिस्तान दे सारे शामिल होए सी, और जिन्नी शानो शौकत वाला वो विआह सी, उसनूं उस जमाने दे अंग्रेज़ राइटर्स दूजे ने कहा सी भी इहदा कोई पैरल नहीं है, वो एक वक्री कहानी है कि बाद च उन्हां अंग्रेज़ां ने जिन्हों अपना दोस्त कहा जां पंजाब राज दे नाल जिहड़ी 1809 दे विच संधि कीती उन्हूं किवें तोड़िया, किवें महाराजा रणजीत सिंह दे अखां बंद करदे 1839 च चढ़ाई करदे ने और अगले आलमोस्ट 7 साल लाहौर दरबार किवें साजिशां दा केंद्र बनिया, किवें अंग्रेज़ां ने ध्यान सिंह गुलाब सिंह सुचेत सिंह वर्गे पाले, फिर अगों किवें लाल सिंह तेज सिंह जिहड़े आम एक टके टके दे भईए यूपी दे उन्हां नूं किस लैवल दे उत्ते रणजीत सिंह ने नवाजिया, राजियां दा खिताब दे के और फौजां दे जरनैलां दे अहुदियां तक राजे दे खिताब दे उस टाइटल नाल पहुंचे, उन्हां ने किवें गद्दारियां कीतियां। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਲੀਅਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਵਲ ਦੀ ਚੇਟਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਵਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, और जिन्होंने थोड़ा फिर उस नावल की चेटक चों धार्मिक पढ़न की जी है वो कोई ना कोई चेटक लग जाती सी, वो ये किताबां जरूर पढ़ता सी। 3 सोहन सिंह सीतल दियाँ सिख राज किवें बनिया, सिख राज किवें गया ते दुखिए माँ पुत, दुखिए माँ पुत का वो ग्रीक ट्रैजेडी तो भी वर्स्ट महाराणी जिंदा और दलीप सिंह दी कहानी उन्हां दी सैपरेशन और किवें उन्हां नूं जिहड़ा है वो अंग्रेज़ां ने जलील भी किया और किवें वो एक विछोड़े पछतावे और वो सारे चो गुजरे। पर जदों तुसीं सिख राज किवें बनिया देखदे हो तो फिर तुहानूं लगदा है भी इहदे पिछे किवें 1699 के खालसा साजन तो लैके 1799 जदों महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के तखत ते बैठते ने किन्ना वड्डा संघर्ष है, किवें घल्लू खारियां चो गुजरे। बेशक शॉर्ट टर्म राज बाबा बंदा सिंह बहादुर का भी है, 12 मिसलां का भी है, पर किवें उही जर्नी जिन्हों तुसी फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन कहते हो कि फांसी दे तख्ते तो राज दे तख्त तक या तख्ते तो तख्त, ये वो सारी जर्नी सी। पर किवें फिर जदों तुसी दूसरा देखते हो कि किवें ये राज गया कि 6-7 साल दे विच विच किवें 100 साल दे लगभग दी मेहनत दे नाल और महाराजा रणजीत सिंह दे 40 साल दे संघर्ष दे नाल वो राज जिस दियां हद्दां जड़ियां ने दरा खैबर लद्दाख चीन और इधर जिहड़ा लाहौल स्पीति और शिकारपुर सिंध तक लगदियां सी वो किवें अंग्रेज़ां दे पेटे पिया, एक वखरा चैप्टर है। लेकिन इस कोई शक नहीं है कि इन्हां गद्दारियां दे दौर दे विच भी जिथे एक पासे वो जिन्हां ने जिहड़े लूण हरामी बने जिन्हां ने गद्दारियां कीतियां, पर दूसरे पासे इस सारे दौर दे विच भी जिन्हां ने वफादारी दा इतिहास सिरजिया। मैं पिछले दिनां च प्रोफैसर हरपाल सिंह पन्नू जिहड़े पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले तो रिटायर होए ने और चंगा स्कॉलरली उन्होंने टेक है, हालांकि उन्होंने सारे विचारों सारे सहमत नहीं होंगे, तो वह जो गल कर रहे सी महाराजा रणजीत सिंह उन्हां दे बाकी जरनैलों के हवाले नाल, तो एक गल उन्होंने कही क्योंकि एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मेरा हमेशा ही इस दे उत्ते एक अपने किस्म का प्रभाव रहा। तो उन्होंने कहा भी देखो जिहड़ी बहुत फख्र वाली गल है कि 100 साल की संघर्ष तो बाद जिहदे च ज़ाहिर है कि वह मुगलिया हाकम होण जां दरा खैबर पार तो जिहड़े ने इस्लाम च यकीन रखण वाले सी जां जिन्हों कईयां ने कई बार उन्होंने एंटाई मुस्लिम रंग देण दी कोशिश भी की। महाराजा रणजीत सिंह ने बाइंड टुगैदर किया सारिया कम्यूनिटीज़ नूं, वो सिख हिंदू मुसलमान, और उन्होंने मैरिट के आधार के उत्ते अपने दरबार दे विच अहदे भी दिते। और मुसलमान क्योंकि ज़ाहिर है रणजीत सिंह दे राज मेजोरिटी मुसलमान सन, उन्होंने किस लैवल के उत्ते फकीर अजीजुद्दीन उन्होंने फॉरन मिनिस्टर और सब तो ट्रस्टवर्दी दरबारी उन्होंने दोवें भरा जिहड़े एक होम मिनिस्टर के रुतबे वाला एक गोबिंदगढ़ अमृतसर जिथे उन्होंने खजाना सी जिथे कोई नूर भी एक जमाने च रखा रहा उसकी देखभाल, और इस तो इलावा तोपखाने दे विच वो माखे खां होण और दूसरे होण। और जिहड़ी गल प्रोफैसर पन्नू ने कही जिहड़ा इतिहासक सच है कि इस एक पासे ये यूपी के ब्राह्मण लाल सिंह तेज सिंह, इधर जम्मू के डोगरे ध्यान सिंह गुलाब सिंह सुचेत सिंह जिन्हों ने गद्दारियां का इतिहास सिरजया, पर एक भी मुसलमान दरबारी ने या फौजी ने सिख राज नाल गद्दारी नहीं की। वो उन्होंने अपना राज समझदे ही उसके लिए उन्होंने खून डोलिया नाल खलोते। सो जदों बहुत बार एक अज दे पीरियड च भी असी एक बेसिर पैरा नैरेटिव और एक तबका कि जी इतबार ना करो मुसलमान इनिया सौं खाए दूजा, और इस किस्म का मुसलमाना दे विच भी एक तबका जिहड़ा सिखां प्रति नैगेटिविटी करदा है। सो मैं और ये भी कहण दा कि जी कई तां इहनूं गुरु साहब दे नाल जोड़दे ने, हालां मेरा हमेशा इहदे ते हुंदा है कि भाई तुसीं जे दसवें पातशाह दा ये फरमान देखो कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा जाबे गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी पर। हुण विपर ब्राह्मण तो जिहड़ा है इहदे ते वसाह ना करन दी गल है कि भी जे तुसीं इस दे उत्ते इतबार कीता है ते मेरी तुहाडे वाल पिट होएगी। और ये भी जदों क्योंकि अज असीं सर श्याम सिंह अटारी वाला जिन्हां ने सभरावां दे जंग च शहीदी पाई उन्हां दी कीती होई अरदास, ते जदों असीं कीते अरदास जां प्रण दे नाल शहादत फेर असी अपने 18वीं सदी और 19वीं सदी के उन्होंने योद्धियां नूं जिन्हां दे विच ज़ाहिर है बाबा दीप सिंह शहीद जिहड़े दमदमा साहब तो अरदासा सोध के तुरे कि हरमंदर साहिब की पवित्रता दे लई जदों के अब्दाली दीयां फौजां ने वो सारे हिस्से नूं आकुपाई कीता सी, किवें वो सिर तली ते रख के जूझे शहीदी पाई और अरदास नूं किवें पुगाया। फिर असी उसे उन्हां दियां पैड़ कदमां दे उत्ते चलदे हैं शहीद बाबा गुरबख्श सिंह। हुण बाबा दीप सिंह जी दी शहादत जिहड़ी है वो 13 नवंबर 1757 नूं हुंदी है, और इसे तरह बाबा गुरबख्श सिंह 1764 दे विच शहीद हुंदे ने। और वो बाबा गुरबख्श सिंह अज भी जदों तुसीं दरबार साहब दे दर्शनां नूं जाओ ते अकाल तखत साहिब दे बिल्कुल पिछे जिहड़ा बुंगा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह निहंग लिखिया हुंदा है, उत्थे भी अखंड पाठ चलते हैं। और पिछले दिनों साका नकोदर के शहीदों को जदों याद किया गया तो बुंगा बाबा गुरबख्श सिंह शहीद उन्हां दे उस मुकाम पर अखंड पाठ रखाया गया है। हुण उन्हां दा जदों तुसीं इतिहास क्योंकि बाबा दीप सिंह उन्हां दे इतिहास तो असीं सारे ही वाकफ हैं, उन्हां दा जन्मदिन भी 26 जनवरी नूं मनाया जाता है, शहादत का दिन भी मनाया जाता है, और गुरुद्वारा बाबा शहीदा और दुनिया भर दे विच जिहड़ा उस दे उत्ते कितना कुछ है। लेकिन असी उस जदों असी शहीद बाबा गुरबख्श सिंह की गल करते हैं उसे ही परंपरा नूं जारी रखते हैं। 1757 च बाबा दीप सिंह शहीद हुंदे ने, 1764 दे विच 7 साल बाद, और वो जिहड़ी शहादत है वो भी अरदास पुगाउण दी है क्योंकि जदों ये फैसला ये पता लगता है खालसे के जत्थियां नूं 1764 तक पहुँचते हैं असी देखते हैं कि ऑलरेडी वड्डा घल्लूकारा वापर चुका सी जिस दे विच एक दिन दे विच 1761-62 का पीरियड 50,000 के करीब सिंह सिंघणियां भुजंगी ਭੁਜੰਗਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ और अजय हरमंदर साहब दे क्योंकि अब्दाली ने यही नहीं कि वड्डा घलूकारा किया जान लगे उन्हें बारूद के कुप्पे रख के हरमंदर साहब नूं उड़ा दिता सी अकाल तख्त नूं लैवल करके खोते नाल हल चलाया सी और उहदी अजे मुड़ सारी चल रही सी दोबारा जदों सिंघां ने लिबरेट कराया और उस हालत दे विच पता लग्या भी अब्दाली फिर आ रहा है और वो आ तो सिखां नूं ही सजा देण लई रहा सी जिवें उन्हें 1757 च मराठियां दा लक भन्निया सी उहनूं लगदा सी कि भी इन्हां नूं जिहड़ा थां कर दिओ और उदों खालसे दे दल फैसला करदे ने कि भाई असीं जो उन्हां दा अपनी गुरिल्ला रणनीति सी अटैक करन दी हिट एंड रन लेकिन बाबा गुरबख्श सिंह उन्हां ने उस जिहदे च ये स्ट्रैटजी के उत्ते विचार हो रहा सी वो खलोते बजुर्ग बाबा उन्होंने कहा कि जी सानू आग्या दो कि बेशक खालसा इस फैसले के उत्ते तुसीं जाओ और उन्होंने लेटर एनगेज करो लेकिन असी हुण अकाल तख्त की अजमत दे लई घट्टो घट इत्थे शहीदी सिंबॉलिक असी रेजिस्टेंस जरूर दईए और उन्होंने 29 सिंह होर खलो गए 30 सिंह जिहड़े ने बाबा गुरबख्श सिंह की अगवाई उन्होंने कहा कि जी असी शहीदी पानी है हूँ मैं कई बार फिगर भी देखता है क्योंकि ये 30 सिंह खलोते ने दूसरे पास जी जानकारी सी कि अहमद शाह अब्दाली 30,000 की फौज के नाल हमलावर है और हूँ जदों और इसका अकाउंट किसी होर ने नहीं लिखा काजी नूर मुहम्मद और साडा जिहड़ा सब तो प्रमाणिक पहला इतिहासिक सोर्स है प्राचीन पंथ प्रकाश जिहड़ा भाई रतन सिंह पंगू ने लिखा है। भाई रतन सिंह पंगू वो शख्सियत ने जिहड़े भाई मताब सिंह मीरा कोटीए दे पोतरे सन और भाई मताब सिंह मीरा कोटीए वो ने जिन्हां ने भाई सुखा सिंह दे नाल मिल के मस्सा रंगड़ दा सिर वढ़ के जिहड़ा हरमंदर साहब दा अपमान कर रहा सी बुढ़ा जोड़ जाके खालसे दे दलां सामने रखिया सी। हुण भाई रतन सिंह पंगू दा अकाउंट और बाद दे विच क्योंकि काजी नूर मुहम्मद दा सोर्स फारसी दा सी उसनूं डॉक्टर गंडा सिंह फिर बाद दे विच सर कपूर सिंह उन्होंने उसनूं उन्होंने फारसी आउंदी सी सारे स्कॉलर सी उसका ट्रांसलेशन भी किया। हुण वो अकाउंट जदों काजी नूर मुहम्मद बाकी खालसा हरन हो जाता है 30 सिंह जूझे और किवें जदों ऐन अब्दाली अमृतसर के नेड़े ढुक गया ऐन आने वाला है उन्होंने हरमंदर के सरोवर च इशनाना सोधिया केसरी बाणे पहने हरमंदर साहब जिहड़ा उस अरदासा सोधिया शहीदी का उन्होंने गलों च हार ने गाने बने हुए ने शहीदी जयकारे गजांदे वो आंदे ने और अब्दाली जदी फौज तो आके देख के देखते हैं कि भी 30 बंदे लगे ने और काजी नूर मुहम्मद ने यह कहा कि भी लाड़ा तो बराती बने हुए ने हुण बाबा गुरबख्श सिंह लाड़े वांग ने वो जिमें बरात शहीदी पाने के लिए है और काजी नूर मुहम्मद कहता है कि भी जिस बेखौफ अंदाज दे विचों कला कला गाजियां दे नाल भिड़िया और उसनों सर कपूर सिंह ने जो ट्रांसलेट किया उन्होंने कहा भी देयर वाज नो ग्रेन ऑफ फियर ऑन देयर फेसिस कोई डर भौ ना दी कोई चीज़ ही नहीं सी कला कला जूझिया और कले कले ने जिहड़ा है वो दुश्मन का मुकाबला करदे हैं शहीदी जाम पीते और जदों असीं अरदास की गल करते हैं फिर कि भाई किवें हुण बाबा दीप सिंह जी नूं भी नज़र आ रहा सी कि जिस लैवल के उत्ते एनमी है विक्ट्री तो तुहानूं एल्यूट करती है कि भी तुसीं उहनूं लिबरेट तो नहीं करा पाओगे लेकिन तुसीं गुरु दे हजूर सतगुर आगे सीस पेट दिओ। हुण मैं गुरु दे अगे अपना आपा दे देना कित्थों बाबा दमदमा साहब तो तुरया दीप सिंह दो तारा खंडा जिन्हों अज भी जदों दीदार कराए जाते हैं मैं तो बचपन के विच अकाल तख्त साहब शाम के दीवान च जदों भी मेरे कदे भी अथरू रुके नहीं है क्योंकि वो जड़े भी इस पीरियड के शस्त्र ने बाबा दीप सिंह दा सवा मन का खंडा और जदों दर्शन कराने वाले चुकते सी कि आ बाबा दीप सिंह दा तो एकदम संगत चों जिहड़े दर्शन कर रहे हैं जयकारे गूंजते सी और तुसीं अपने अथरू रोक नहीं सी सकदे कि भाई उस उम्र च इन्ना वड्डे स्कॉलर विद्वान जिन्हां ने 4 गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप लिख के तख्तां ते भेजे हुण अज जिहड़े कलम दी गल करन वाले लोक ने सिक्खी दे विच जदों असीं मीरी पीरी दे कॉन्सैप्ट दा जुड़ जाना कहंदे हैं कलम और तलवार कदे तुहाडी कलम तलवार बन जांदी है कदे तुहाडी तलवार कलम बनदी है क्योंकि तलवार ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ और ये ठीक अज किसी का कमेंट सी कि भाई ये जड़ा सारियां लड़ाइयां जड़ियां ने जितन लई नहीं लड़ियां जांदियां, वो लड़ाइयां जड़ियां भविख दीयां पीढ़ियां लई लड़ियां जांदियां ने, जिहदे च ये नसीहत हुंदी है कि भाई। और यही जदों असी 10वें पातशाह दे इस फरमान नूं याद करते हैं, इस नूं दोहरांदे कि देह शिवा बर मोहे यह है शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, कि जदों राइटियसनेस लई खलोण दा वेड़ा है फिर पिछे नहीं हटण, ना डरो हर सो हर दुश्मन नूं कहंदे ने, जब जाए लड़ो, जदों दुश्मन दे नाल असीं भिड़ना फिर डर ना दी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। निश्चय कर अपनी जीत करो, इस गल का निश्चय होना कि असीं जितना है, कि तुहाडी जंग डिफीटिस्ट कदे नहीं जितदा है, डिफीटिस्ट ने इतिहास नहीं सर्जन, वो उतरना ही जंग के मैदान च इस दे नाल है कि असीं जितना, असीं जंग नूं इहनूं ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हुण इस सारे दे नाल एक तां साडा निशाना और सिख हो अपने ही मन को ये लालच हों गुण तो उचरो। हुण मन नूं की सिखिया, वो जंग दा मैदान होए, घोड़े दी पिट होए, आराम दे तंबू जां खैमियां दे विच कोई बैठा होए, यही लालच होए जिहड़ी लालच 10वें पातशाह ने उस चमकौर दी जंग तो बाद माछीवाड़े दे सत्थर दे उत्ते यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना, पर यही सी कि तुद बिन रोग रजाइयां दा उडण, कि तेरे बिना, कि उत्थे भी उसकी याद और इत्थे भी यार सिखों अपने ही मन को ये लालच, यही लालच होए कादा कोई हासिल करन दा हों गुण तो उचरो, कि मैनू हमेशा तू याद रहे, तू मैनू कदे ना भुले। लेकिन जब आव की औद निदान बने, जदों विक्ट्री एल्यूड कर रही है तो आ रहा नज़र कि एक तुसी भज के जान बचा सकते हो, एक शहीदी पा सकते हो, अत ही रण में तब जूझ मरो, कि फिर जूझ के मरना जोड़ा है। हुण जदों असी बाबा दीप सिंह शहीद जां अरदास का संकल्प देखते हैं तो फिर एकदम साडा ध्यान बाबा गुरबख्श सिंह किवें उन्होंने जूझ के शहीदी पाई ती साथी सिंघां दे नाल, और ये दस्या भविख दीआं पीढ़ियां नूं कि जदों अरदासा सोधीए तो फिर इवें ही है जिहड़ा जंग दे मैदान च जाना है, जिवें असीं लाड़ी नूं वरण जांदे, मौत दी लाड़ी नूं व्योण। और फिर इतिहास दोहराया जांदा है जदों असीं अकाली फूला सिंह दी गल करदे हां, 1823 जी 19वीं सदी दे असीं पहले अद्ध दे विच पहुंच गए, और नौशहरे की जंग जी दरियाए लंडा जिहदा इलाका अज भी खैबर पख्तूनख्वा दे विच है, हज़ारां की गिणती दे विच जिहड़ा दुश्मन हमलावर है, और महाराजा रणजीत सिंह अपनी फौज फ्रेंच जनरल दूजे तीजे सारी उस ये उही अटक दरिया जिहदे बारे असी ये कहंदे जदों महाराजा रणजीत सिंह उस दरिया दे विच दाखल दरिया चढ़िया होया है, हड़ आए हुए ने सारे उन्होंने कहते हैं कि जी इहदा नां हालांकि दरियाए सिंध नूं ही अटक कहते हैं कि इहदा नां ही अटक है कि इत्थे हर एक नूं अटकना पैंदा है। तो महाराजा रणजीत सिंह और कहते हैं भी ये अटक उहदे लई अटक है जिहदे मन दे विच अटक है, जिहदे मन च अटक नहीं है उन्होंने कोई नहीं अटका सकता। अरदासा सोध के घोड़े जिहड़े ने वो दरिया दे विच पा लए, मगर फौज भी आ जाती है। और लेकिन अकाली फूला सिंह और जदों ये फैसला हुंदा तुसीं ये देखो जदों असीं बहुत बार अज ये झूठिया अरदासा वालियां नूं देखते हैं, ये अकाली कदे मरजीवड़े बने, किने किथे की क्या किवें सारे जिहड़े ने निक्कियां निक्कियां अहुदियां पिछे ने। तो फिर अरदास जे देखनी है फिर वो नौशहरे का मैदान है, गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया दे विच गुरमता करके ही जवाबी हमला सामने पहाड़ी दे उत्ते हज़ारां की गिणती दे विच दुश्मन जमे, इधर अरदासा सोधिया जाता है, गुरमता हुंदा है कि महाराज बख्शिश। अकाली फूला सिंह खुद अरदास करते हैं, हालांकि वो कोई रणजीत सिंह की फौज का हिस्सा नहीं सी, उन्हों का अपना इंडिपेंडेंट अकाल तखत की फौज सी कि भाई महाराज आग्या बख्शो खालसा फतह हासिल करे। तो अरदास सोध के हुण रणजीत सिंह ज्यों ही वो दल जान लगते हैं, एकदम ये खबर पहुँचती है कि जी दुश्मन दे कोल इनियां तोपां भी ने, जिहड़ा भी उन्हां दा सुई आके खबर दिंदा है। और इधर जिहड़ा तोपखाना है फ्रेंच जनरल वैंतोरा और दूजे लैके आ रहे हैं, वो जिहड़ा है वो लेट हो रहा है। और ये कहा जाता है कि भाई रुक जाओ। अकाली फूला सिंह कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह नूं कि फिर वही गल हुण तू वेट इंतजार कर उहदा तोपखाने दा। असी गुरु अगे अरदास कीती असी तां हुण जंग दे मैदान च उतरने और वो अपने जथे दे नाल जांदे ने और मगर आ जाती है फौज। उस जंग दे विच अकाली फूला सिंह शहीदी जाम पींदे ने और ये वरा 1800 पर ये उस ट्रबल्ड एरिया की अखीरली जंग हो निबड़ती है जिस बहादुरी नाल वो जूझते ने घोड़े दे उत्ते हाथी दे उत्ते ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਔਰ ਮਿਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ठाणी, ਕਿਵੇਂ अंग्रेज़ा ने यह जंग नूं विढ़िया। मुदकी, फरोज शाह, दूजे और सबरावां दा मैदान। हुण ये वो पीरियड है कि एक तो बाद एक जिहड़ी है वो इहदे बावजूद कि फौज बहादुरी नाल लड़ रही है पर गद्दारी अपना नतीजा दिखा रही है। तो इधर महाराणी जिंदा जिहड़ी कि लाहौर दे तख्त दे नूं रन कर रही है, वो अकाली इन्हां अनुसार शाम सिंह अटारी वाले नूं लिखदी है। ये भी एक इतिहासक चिट्ठी है कि सरदार साहब तुसीं तुहाडे पिता सरदार निहाल सिंह अटारी वाला उन्हां दीयां कुर्बानियां ने और बाकी हज़ारां सिंघां दीयां शहीदियां ने इस राज नूं कायम कीता है। अज ये खतरे च है। और शाम सिंह अटारी वाला बजुर्ग है, बिरद है, वो अपने अटारी दे जिहड़ा मुकाम दे उत्ते ही अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਸ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾ अटारी दी जूत चो लंघता सी तो तोप की सलामी दे के लंघते, क्योंकि इन्हां दी भी ट्रैडिशन रही है कि भी बहादुरी दे जिहड़े ने उन्हां नूं करना। फिर जिस कदर सर शाम सिंह अटारी वाला घोड़े ते सवार, दर्शक बहुत सारे इमेजिज ने सारे ही जिन्हां दा मैं जिक्र किया उन्होंने देखे होणगे कि भाई किवें वो जूझे, किवें उन्हां दे शरीर दे उत्ते 17 गोलियां लगियां, सारा उन्हां दा चिट्टा बाणा जिहड़ा उन्हां ने पहने है वो लहू लुहान है। और जंग दे मैदान दे विच किवें उन्होंने जूझ के शहीदी पाई। और उस गाथा नूं भी शाह मुहम्मद पंजाबी जिन्हां ने जंगनामा, जंग हिंद पंजाब उहदा ओरिजिनल नाम सी, बाद विच उहनूं जंगनामा सिंघां फरंगियां दा नाम दित्ता गया। और वो एक लंबी दास्तान है पर जदों सभरावां दी जंग दा वो जिक्र करदा तो शाह मुहम्मद कहंदा आइयां पलटना बीड़ के तोपखाने, अगों सिंघा ने पासड़े मोड़ सुट्टे, मेवा सिंह ते माखे खां होए सिद्धे। ये दोनों ही मेवा सिंह ते माखे खां ये तोपखाने दे वड्डे इंचार्ज सी। आइयां पलटना बीड़ के तोपखाने, अगों सिंघा ने पासड़े मोड़ सुट्टे, मेवा सिंह ते माखे खां होए सिद्धे। हले 3 फरंगी दे तोड़ सुट्टे, शाम सिंह सरदार अटारी वाले बन शस्त्री जोड़ विछोड़ सुट्टे। शाह मुहम्मदा सिंघा ने गोरियां दे वांग निंबूआ लहू निचोड़ सुट्टे। सो ये है जदों तुसी अरदास दे उत्ते टेक रख के गुरु दे चरनां च अपना आपा टिका दिंदे हो, फिर डर भय ना दी कोई चीज़ नहीं रहिंदी। बेशक ये जंगां दे रिजल्ट की हुंदे ने, गद्दार जिहड़ा वो किस हद तक कामयाब हुंदे ने, जिन्हों शाह मुहम्मद ने कहा कि शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने। लेकिन सर शाम सिंह अटारी वाले दी अज जदों असी इस दिन नूं समर्पित प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे मन दे विच सी कि असी 18वीं सदी दे ये साडे योधे जिन्हां ने ये दस्सिआ कि जंगां सारियां जितण लई नहीं लड़ियां जांदियां, जित्तां भविख दीआं पीढ़ियां लई लड़ियां जांदियां ने। तो ये साढ़े अज भी बहुत वड्डे आदर्श ने, क्योंकि इन्होंने गुरबाणी दे इस फरमान ते जिहदे नाल तुसीं प्रोग्राम शुरू किया है, जिहड़ा भगत कबीर जी का शब्द है गुरबाणी दे विच, गगन दमामा बाजियो परयो निशान है घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सो इत्थे लैने ब्रेक और ब्रेक से जाने तो पहला असं दर्शकों के स्रोत्यां हमेशा इस तरह अपील से बेनती करती हूँ व्यूअर्स, जिस तरह कि तुम जानते हो कि TV 84 हक सच इंसाफ की जी आवाज़ है वह बुलंद कर रहा है। ये आवाज़ थोड़े प्यार सदका, थोड़े विश्वास सदका, थोड़े डोनेशन सदका ही हो सकती है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं TV 84 की चढ़ती कला लई वध तों वध डोनेट करो। डोनेट करने साडी वैबसाइट TV84.tv ते जाके पेपल की वरतों करके वन टाइम डोनेट कर सकते हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो। तुसीं TV84 के नाम से चैक बना के सानूं मेल भी कर सकते हो। साडे इस पते ते 36-01 37th Avenue लॉन्गलैंड सिटी न्यूयॉर्क 11101 USA जां फिर तुसीं सानूं फोन राहीं भी संपर्क कर सकते हो। साडे फोन नंबर ते 5166191984 तो सानू ईमेल भी कर सकते info@tv84.tv ते। असीं तुहाडे तहे दिल तों शुक्रगुजार होवांगे। सो इत्थे लैने ब्रेक व्यूअर्स, तुसीं इसी तरह बने रहना। मिलदे आं छोटे जे ब्रेक तो बाद।